क्या है? ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है क्या? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रॉकी ने वही रास्ता चुना है जो हनुमान जी ने दिखाया है। और अब तो हमारे घर में खुशियां दौड़ेंगी। पवित्रा भाभी, आपने बताया सबको? पीकू, ऐसा क्या है जो जो हम नहीं जानते? मुझे आप सबको कुछ बताना है। बताओ। हाथ हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। हम सबको यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हम भाग कर जाएंगे कहाँ? पिशाचिनी हर जगह हमारा पीछा करेगी। वही तो मैं चाहती हूँ, उसे उसी जगह लेकर जाना है जहाँ 20 साल पहले का इतिहास दोहराया जाएगा। चलिए। बहुत अच्छे, आज सब इकट्ठे झुंड बना के जमा हो गए, जैसे शेर के सामने बकरियों की झुंड। आज शिकार करके कितना मजा आएगा। रानी खुश हुई, तुम लोगों ने बिना कोई शोर शराबा किए खुद को मेरे हवाले कर दिया। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी भूल है रानी। हम यहाँ तुम्हें धूल चटाने के लिए खड़े हैं, तुम्हारी अंतिम क्रिया करने के लिए खड़े हैं। भक्त कुमारी, बड़ी बीमारी। वीरांत, कैसे? रानी, ये जगह याद है ना तुम्हें? 20 साल पहले यहीं पर दफन किया था तुम्हें। आज वही इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं। आता है तुम लोगों पर, तुम्हारी सुई अभी तक 20 साल पुरानी यादों में अटकी हुई है। दुनिया बदल चुकी है, मैं कितनी आगे जा चुकी हूँ, पिशाचनी से प्रलय पिशाचनी बन चुकी हूँ। अब मुझे कोई मात नहीं दे सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कभी भी नहीं। देखना है मेरा जलवा क्या हुआ? बड़े डट के खड़े हो, डर नहीं लग रहा? समझ में नहीं आ रहा है क्या कि एक ही चुटकी में तुम सबको चींटी की तरह मसल सकती हो? तुमने हमसे हमारे अपनों को छीना है, हमारे बाबूजी को। अमृता भाभी और प्रतीक भैया को भी। मासी जी, इतने अपनों को खोकर हमारा सीना जरूर छलनी हुआ है, कि फिर भी तुमने हमारे विश्वास को नहीं तोड़ा है। हमारा आत्मविश्वास आज भी जिंदा है, और इसी आत्मविश्वास ने हमें सिखाया है, मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। आज हम सब अपने सर पर कफन बांध कर आए हैं, जीते या हारे पिशाचिनी के आगे नहीं झुकेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम साथ साथ है का ड्रामा करके तुम लोग मुझे मात दोगे? प्रलय पिशाचिनी को? मैं तो वो हूं जिसने अपनी औलाद को भी आपके दरिया में बहा दिया, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ कदम उठाया था। और तुम लोग जो मेरे कोई भी नहीं हो, तुम्हारी गुस्ताखी क्या जेलूंगी खाक? तुम सबको जलाकर कर दूंगी राख।
बचो। चाचू बबली रंगमली, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इसे रोकना होगा, प्लीज। पवित्र बेटा, मूल जख्म पवित्र बेटा, वास्तविक जख्म यही है तुम्हारा रास्ता मंदिर तक पहुंचने का। तुम सिर्फ कोशिश करती रहो, जीत तुम्हारे सामने खड़ी है। पीकू, पीकू क्या सोच रही हो? मुझे भी नानू दिखे थे और वो रानी के वास्तविक जख्म के बारे में बात कर रहे थे। वास्तविक जख्म? हमें इसका पता लगाना होगा। रानी के निशान को कैसे ढूंढे? रॉकी, हमें रानी के सिर पे वार करना होगा, पीछे की तरफ। अब राजपूत परिवार में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। त्रिमूर्ति, पीको, मासी ने मुझे हनुमान जी की पूजा करने के लिए कहा था ताकि मुझे मेरी शक्ति का पता चल सके। भक्तकुमारी कहाँ गायब हो गई? रानी की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हाँ पीकू, आज तुमने चमत्कार कर दिया पीकू, मिरेकल। सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर किया। आखिरकार पिशाचिनी का काला अध्याय हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। हाँ, आज से इस राजपूत परिवार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, नए जीवन का आरंभ। तुम सब ठीक हो ना? मैं भी आपको कुछ बताना चाहती थी। पवित्र बेटा, क्या बात है? आप
दादी बनने वाली है। क्या? मैं बुआ। क्या क्या कह रही है? अरे अरे बोलिए, क्या कह रही है? हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। मतलब आप मामा और हम? विद्या, हम बुआ बनने वाले हैं। दादाजी। ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? उस तरफ से आ रही है। चलिए देखते हैं। हाँ चलिए। धड़कन को पहचानता है पवित्रा भाभी, इसका बहुत गहरा लगाव है आपसे, तभी तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। हे गंगा मैया, लेकिन हम इस पिशाचनी के बच्चे का करेंगे क्या? हाँ, इस पिशाच बेबी ने साबित कर दिया है इसमें पिशाच अंश कम और इंसानी समझ ज्यादा है। सच कहा तुमने पवित्र, कुदरत ने इसे वापस तुमसे मिलाया है। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, कोई मकसद होगा। मैं समझ गई अब हमें क्या करना है। पिशाचिनी के साय से आजाद हुए राजपूत परिवार को पूरे एक साल हो गए। आज भले हम अपनों के साथ नहीं, पर मन में तसल्ली है क्योंकि पवित्रा उनके साथ है। वो सिर्फ राजपूत परिवार में खुशियां और शांति लेकर नहीं आई, बल्कि हमारी अगली पीढ़ी यानी अपनी और रॉकी की बेटी के साथ साथ संचित और रानी की बेटी का भी अच्छे से पालन पोषण कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि पवित्रा और रॉकी दोनों बेटियों को अच्छे संस्कार देंगे और उन्हें बेहतर इंसान बनाएंगे। ये चिड़िया का पिंजरा खुल कैसे गया? लगता है इसने अपने जादुई शक्ति से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया है। इसमें गलत क्या है? आखिर रानी की बेटी है, ये शक्ति तो इसे विरासत में मिली है, लेकिन ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती। उसे लगा होगा शायद पंछी पिंजरे में कैद है, इसलिए ऐसा किया होगा। चलिए बाहर चलते हैं। उस काले दौर को बीते हुए एक साल हो गया है, लेकिन उसकी यादें अभी भी इतनी ताजा है कि कभी कभी लगता है कि वो काला अध्याय सच में खत्म हो गया। भरोसा रखिए रॉकी, सब ठीक हो जाएगा।